हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? हम बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, 2021 में जो कि आज फर्स्ट आईपीएल जो कि खेला जाएगा, यानी कि मुंबई इंडियन वर्सेस बैंगलोर के बीच में, ठीक है? तो कैसे यहां पे हम टीम बनाएंगे ड्रीम 11 पे, तो वो बात करेंगे। दोस्तों, आपको एप्लीकेशन का लिंक जो कि वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ड्रीम 11 एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। कैसे यहाँ पे पैसे जो कि गूगल पे, फोन पे या कहाँ से जो कि ऐड करेंगे और कैसे टीम बनाएंगे, तो ये सारा कुछ हम जानने वाले हैं, ठीक है? और सबसे अच्छी बात, तो यहाँ पे आप 100 रुपीज जो कि आप विड्रॉल कर पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बैलेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। माई बैलेंस में जाकर के ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को हमने ओपन कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कमेंट्स बॉक्स में अपना वो देते हैं, यानी कि रेफरल कोड, तो मैं अपनी वीडियोज़ में लगाऊंगा और आपको पैसे बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, मुझे 14,000 रुपये मिले हैं। तो इनका यूज़ आप किसी भी मैच पे, यानी कि किसी भी कंटेस्ट ज्वाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर करें। और आपको मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाऊंगा भी, जो कि 2049 रुपीज़ का जो कि होता है, उसको 24 में ज्वाइन करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है, डिस्काउंट के साथ। तो कैसे आप करेंगे ये भी आप देख पाएंगे इस वीडियोज़ में, ओके? तो फाइनली आप जान लेते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है। इन्वाइट फोन कॉन्टेक्ट या तो व्हाट्सएप पे कहीं पर भी जाके शेयर कर देना, और उसको कॉपी करके मुझे कॉमेंट्स में, यानी कि कमेंट्स ऐड कर देना है वीडियोस में, जिस वीडियोस को आप देख रहे हैं। तो आप जान लेते हैं, ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को हमने ओपन किया, मुंबई इंडियन वर्सेस जो कि बैंगलोर, ठीक है? और यहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 24 रुपीज़ एंड 17 रुपीज़ और यहाँ पे 10 रुपीज़, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 49 वाला 24 का दिख रहा है, जो कि डिस्काउंट के साथ आधा कट करके दिख रहा है, ठीक है? तो अगर आप देखते हैं अपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पे, तो आपको 49 का ही दिखेगा, जो कि यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं है, देख सकते हैं लाइव वीडियोस है ये, ठीक है? तो आप भी वैसा ही करिए, कमेंट्स में अपना रेफरल कोड जरूर दे दें, ओके? अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए 0 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्रॉल का 100 रुपीज़ आ गया है। अब आप आसानी से 100 रुपीज़ को विड्रॉल कर पाएंगे अपने अकाउंट में, और ये 100% जेन्युइन है। यहाँ पे आपको ये पैसा एप्लीकेशन ज़रूर देता है, ठीक है? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, पैसा ज़रूर विड्रॉल करता है आपके अकाउंट में ये। और यहाँ पे जो कि 25 रुपीज़ हम ऐड कर रहे हैं गूगल पे से, जो कि आपको दिखा नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं देता गूगल पे, बट यहाँ पे देखेंगे जैसे कंफर्म होता है तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा होगा, आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, बट यहाँ पे 25 रुपीज़ हमने ऐड कर दिए, देख सकते हैं यहाँ पे कर दिए है। वैसे ही करना है आपको, ऐड कैश पे जाकर के, यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, देख सकते हैं मैसेज भी हमें आ गया, और यहाँ पे जो कि हमारा पैसा है वो ऐड हो चुका है 25 रुपीज़, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आप कैसे करेंगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे ऐड कैश पे जाना है, वहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी गूगल पे, फोन पे और भी बहुत सारे, चाहे जहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? आप बैंक से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैसे टीम बनाएंगे और कैसे पता करेंगे कि कौन सा जो कि अच्छा प्लेयर है, या तो किसको हमें कैप्टन वाइस कैप्टन बनानी चाहिए, तो ये सारा कुछ। और डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो यहाँ पे 35 रुपीज़ वाला जो कि फुल हो चुका है, हम अब लगाने वाले हैं जो कि कॉन्टेस्ट 25 रुपीज़ जो कि है 49 वाला, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस पूरा आपको दिख जाता है, जो कि अगर आप फर्स्ट रैंक पे आते हैं तो कितना आपको मिलने वाला है, ऐसा सेकेंड थर्ड सारा कुछ आपको दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टीम क्रिएट करते हैं, ओके? तो टीम देखेंगे इस प्रकार से, आपको अभी प्लेयर जो कि दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सा प्लेयर जो कि खेलने वाला आज के डेट में, बट कैसे पता करेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप प्लेयर को सेलेक्ट करें, यहाँ पे आपको जो कि विकेट कीपर ले लेना है, 1 से 4 तक ले सकते हैं आप, बैट्समैन आपको 3 जो कि लेना कंपलसरी है, 3 आपको लेने ही पड़ेंगे, और ऑलराउंडर जो कि आपको 2 लेने पड़ेंगे, ठीक है? और बॉलर 3, ठीक है? ये तो कंपलसरी है, आपको लेने ही पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे कायरन पोलार्ड को हमने ले लिया, और यहाँ पे गायकवाड़ को भी, जो कि अच्छा खेलते हैं, बट यहाँ पे एडिटिंग टीम कैसे करेंगे, जो कि एडिट करना कैसे है, तो वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? और बॉलर जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ पे 100 कॉइन मिलते हैं, ठीक है? 100 पॉइंट्स मिलते हैं उनको आपको, जो कि यानी कि हर प्लेयर को भी ऐड करना है और मैनेज भी करना है 100 पॉइंट में, ठीक है? यहाँ पे आप जो कि बॉलर देख सकते हैं कौन कौन बॉलिंग करने वाला है, और यहाँ पे अभी तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, बट जो कि आपको आधे घंटे पहले ही यहाँ पे ब्लू टिक दे दिया जाएगा, सॉरी ग्रीन टिक, कि जो प्लेयर खेलने वाले हैं उसके पहले आप एडिट कर लीजिएगा टीम को, ठीक है? तो कैसे दिखेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके? तो यहाँ पे हम जो कि सेलेक्ट कर रहे थे देवदत्त पेडिकल को बैट्समैन में, और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे, तो देवदत्त पेडिकल हो गए, विराट कोहली हो गए, और रोहित शर्मा, ये तो खेलने वाले हैं, सूर्य कुमार यादव, ये तो 100% है जो कि खेलने वाले मैच, ठीक है? फिर भी आपको आधे घंटे पहले जो कि देख लेना है, नहीं तो आपका पैसा वैसे ही वेस्ट चला जाएगा, ठीक है? कोई मतलब नहीं होगा, कोई प्लेयर अगर नहीं खेलता तो आपकी टीम खराब चली जाएगी, ठीक है? ऑलराउंडर भी आप देख लीजिए, करन पोलार्ड तो
बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी, और इनको बैटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मौका मिलता है, यानी कि हार्दिक पंड्या से ज़्यादा, ठीक है, कुणाल पंड्या हार्दिक पंड्या से ज़्यादा इन्हें मौका मिलता है। तो कैरन पोलार्ड को तो कंपलसरी हमें लेना ही चाहिए, ठीक है। क्रिस लिन का कोई अभी पता नहीं कि खेलने वाले नहीं खेलने वाले, अगर खेलते तो आप ले सकते हैं इन्हें, जो कि आधा घंटे पहले एडिट करके टीम को, ठीक है। और कैसे करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। क्विंटन डिकॉक और ईशान किशन तो 100% है, खेलने ही वाले हैं, इनमें कोई जो कि दो राय नहीं है, ये खेलने वाले, ठीक है। और यहाँ पे चांसेस किसके हैं, किस टीम के चांसेस ज़्यादा हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस प्रकार से जो कि आप टीम को क्रिएट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पे टीम से जो कि ज़्यादा चांसेस से मतलब नहीं होता कि कौन सी टीम जीतने वाली, यहाँ पे प्लेयर जो कि आप सेलेक्ट करेंगे, अच्छा प्लेयर ले लेते हैं तो आपको उसके पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। जो प्लेयर आपने लिया वो अगर अच्छा खेल गया तो उसके पॉइंट मिलेंगे, भले ही टीम वो हार जाए, ठीक है, इससे कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कि टीम क्रिएट हो गया, कितने प्लेयर किसके किसके, बॉलर कितने, ऑलराउंडर कितने, सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा। एडिट करेंगे तो यहाँ पे पेंसिल का आइकॉन आपको दिखता है, ठीक है, जो कि मेरे नाम के राइट साइड में, आपके नाम के राइट साइड में दिखेगा, और वहाँ पे क्लिक करेंगे पेंसिल के आइकॉन पे तो आपको इस प्रकार से फिर आएगा। आप जिस भी प्लेयर को सिलेक्ट करें उसको अगर क्लिक करते हैं तो हट जाएगा, फिर से दूसरा प्लेयर आप ऐड कर सकते हैं, ओके। या पेंसिल का आइकॉन आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ चांसेस जो कि 57% मुंबई इंडियंस के हैं, और यहाँ पे प्लेयर कौन कौन है खेलने वाला, टीम में कौन कौन है बड़े, यहाँ पे किसको किसको खिलाया जाता था, तो इसका कुछ पता नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे नाम मुंबई इंडियंस में, ओके। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, देख सकते हैं चांसेस 57% मुंबई इंडियंस के। तो ज़्यादा प्लेयर आप मुंबई इंडियंस के लिए, जो कि लेने का मतलब क्या है कि ज़्यादा लेने की मतलब भी नहीं, अगर आप ओपनर ही क्विंटन डिकॉक और ईशान किशन खेल जाते तो ज़्यादा प्लेयर लेने से कोई मतलब भी होने वाला नहीं, ठीक है। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन खेलने वाला, मैक्सवेल तो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, दुखिया जो कि आपको लेना पड़ेगा, और मैं तो लेने वाला हूँ, आपका कुछ पता नहीं। आपको बंदे बताया कि आप कि किस प्रकार से टीम को क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं 57% चांसेस है। तो इस प्रकार से आप टीम को एडिट करना चाहते हैं, आधे घंटे पहले कौन प्लेयर नहीं खेला तो आप एडिट कर सकते हैं पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करके। तो फाइनली जो कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अप्लाई 24/5 कूपन्स दिख रहा है। तो चूंकि मुझे कूपन्स कैसे मिला है, तो अगर आप कमेंट्स में अपना रेफरल कोड देते तो मैं आपके रेफरल कोड में भी कन्वर्ट कर दूंगा, जिससे कि आपको भी 50% यानी कि 25% यानी कि 50 ही समझ लीजिए, 49 का तो 50% डिस्काउंट है, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनली जो कि हमने कंटेस्ट को ज्वाइन कर लिया, और माई कॉन्टेस्ट में 1 दिखा रहा, माई टीम 1, ओके। तो इस प्रकार से और भी आप अगर टीम क्रिएट करते हैं तो आप कर लीजिएगा अगर चाहेंगे तो, ठीक है। और जो कि एक वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दूसरे चैनल पे अपलोड किया मैंने उसको, तो उसमें क्या करना है कि आपको सिर्फ वीडियोस को देखना, और मैंने अपना नाम लिखा है वीडियोस के अंदर कम्प्लीटली, जो कि मेरा नाम की स्पेलिंग अगर स्क्रीनशॉट लेके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टाग्राम पे भेजते हैं तो आपको जो कि मैं यहाँ पे 50 रुपीज़ जो कि गिवे करूँगा संडे को, जो कि 5 विनर्स होंगे, तो आपको वो वीडियोस को देख लेना है अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेयर अगर कोई नहीं खेलता तो आप इस प्रकार से जो कि हटा करके ले सकते हैं, इस प्रकार से जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मैच प्ले होने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे यही होते हैं रैंकिंग के चांसेस की, स्टेडियम वगैरह देख लेना और कौन सा प्लेयर आज अच्छा खेलने वाला है, और यहाँ पे लक जो कि ज़्यादा वर्क काम करता है, ठीक है। होपफुली सारा कुछ आपको पसंद आया, तो उम्मीद है लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।